नमस्कार दोस्तों, क्या आप ओमान में जॉब करना चाहते हैं? तो हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी है और बहुत ही एक अच्छी एजेंसी है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और ओमान में आप जॉब कर सकते हैं। भाई रिवेन्यू देखो बहुत हाई तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको वेतन मिल जाएगा। कितना मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप महीने का कितना कमा सकते हैं। अब जॉब की अगर प्रोफाइल की बात करें तो कौन कौन सी जॉब है, तो भाई सेल्स मैनेजर की भी जॉब है यहाँ पर। यहाँ पर आपको किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, मस्कट में। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ओमान में मस्कट में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है लोगों को, 40-50 हज़ार नॉर्मली मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अगर बात ना करें, 40-50 हज़ार तो इजीली मिल जाता है। अगर आपको कोई काम नहीं आता, फ्रेशर हो, तो फिर आप इतना याद रखो कि अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ओमान में रहता हो तो ही आप जाना, नहीं तो मत जाना ऐसे भाई, क्योंकि कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है। अब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, वेबसाइट का नाम है bayt.com, आप लिख लेना। और इस वेबसाइट पर आना है और आपको यहां पर कंपनी, आपको यहां पर जो आपको पर्टिकुलर जो भी आपके अंदर स्किल है, अगर सेल्स का है तो आपको यहां पर सेल्स लिख देना। अगर आपको सेल्स मैनेजर पे जाना है, सेल्समैन में जाना है, तो जिस पोस्ट के लिए आपको जाना है ना, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर फिल करने के लिए आता है, ये कंट्री, आपको कौन सी कंट्री में जाना है। तो हम, मैं जो बता रहा हूं वो ओमान के लिए बता रहा हूं और बाकी अलग कंट्री के लिए नहीं बता रहा हूं। तो आप ओमान यहां से सेलेक्ट करना और उसके बाद फाइंड जॉब के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे फाइंड जॉब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे आप देख सकते हो कि यहां पर अब कई सारे जॉब आ चुके हैं। सीनियर सेल्समैन इंजीनियर की जरूरत है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की जरूरत है, और यहां पर आप देखोगे प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजर की जरूरत है। यहां पर प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजर की जरूरत है जो कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये मस्कट ओमान में जॉब है। मस्कट ओमान में जॉब है। फोटो कलेक्शन एंड एनोटेशन ओमान, सेल्स कंसल्टेंट की जरूरत है। नीचे एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, ड्राफ्टमैन की जरूरत है। तो यहां पर अलग अलग और अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप की जॉब की यहां पर लोगों को आवश्यकता है। डिजाइनर की यहां पर डिजाइन इंजीनियर की जरूरत है। यहां पर देख सकते हो कि असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है, और HVAC सेल्स B2B में जरूरत है। यहां पर सेल्स मैनेजर की है। तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल एक कोई भी हम यहां पर जॉब ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक जॉब। यहां से आप 1, 2, 3 करके जाएंगे तो यहां पर दिखाएगा, और यहां पर ये सारे जॉब ये देख सकते हैं। ये जो सीनियर सेल्स मैनेजर है, ये जस्ट 2 घंटे पहले ही अपलोड किया गया है, ठीक है, 2 घंटे पहले अपडेट यहां पर इन लोगों ने करा है। तो हम नीचे वाली एक जॉब को ले लेते हैं, सीनियर सेल्स मैनेजर का, ठीक है। अब सीनियर सेल्स मैनेजर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर जो उस जॉब से रिलेटेड सारे डेटा शो करेगा। तो अप्लाई ऑन कंपनी साइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो जो कंपनी की वेबसाइट है ना, ऑफिशियल, जो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है, तो आपको इजिली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से करते हो तो देखो जॉब ऐसे इजीली नहीं मिलता, इतना याद रखो। जॉब फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास सीवी होना चाहिए, और सीवी अगर आपके पास है तो ही जाकर आप इन सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब अप्लाई करने के बाद आपके अगर सीवी शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है, तब जाकर आपका कहीं इंटरव्यू लिया जाता है, कॉलिंग के थ्रू, टेलीफोनिक, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है, तो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अब इंटरव्यू लेने के बाद जो वो डिसाइड करते हैं क्या आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिट हो रहे हो कि नहीं। अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हैं तो जाकर आपका कहीं वहां पर लगेगा जॉब, ऐसे इजीली नहीं मिल जाएगा, भले यहां पर लिख देते हैं लोग, ठीक है। अब नीचे देख लो, ओवरव्यू ऑफ द रोल, रोल का ओवरव्यू क्या है। द पर्पज ऑफ रोल विल बी टू ओवरसीज द डे टू डे सेल्स ऑपरेशन across the branches including new, used and motorbike function, okay। और यहाँ पर what you will do, आपको क्या करना होगा, ये सारी डिटेल लिखा है भाई। मैनेजर की, सुपरवाइजर, यहाँ मैनेजमेंट करने की भी जरूरत है आपको, और बहुत सारी है। स्किल आपके अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए, देखो हमेशा आप नीचे पढ़ लेना कौन कौन सी स्किल की जरूरत है। रिक्वायर्ड स्किल टू बी सक्सेसफुल, ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस, आपके अंदर खुद से जो है मोटिवेशन का निकलना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरों को देख के मोटिवेट हो, आपके अंदर से खुद से होना चाहिए। सेल्स ऑपरेशन एक्सपीरियंस, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, इसका मतलब मैनेजर की भी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट करने की चीज़ों को, और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। और यहाँ पर अबाउट द टीम के बारे में लिखा है, व्हाट इक्विप्स यू फॉर द रोल, ठीक है। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस सेल्स मैनेजर की पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 इयर्स ऑफ रिलेवेंट ऑटोमेटिव एक्सपीरियंस विथ 5 एटलीस्ट, देखो 10 साल के पास आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का आपको जो है सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो गया। और गुड नॉलेज ऑफ SAP इज ऑटो एंड कनेक्ट सेल्स पर्सन सिस्टम, ओके। और यहाँ पर सारी डिटेल लिखी है, वैलिड ओमान ड्राइवर लाइसेंस, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ओके।
जॉब यहाँ डिटेल लिखा है, ओमान अकाउंटिंग की जरूरत है। कंपनी इंडस्ट्री जो है अकाउंटिंग टाइप की कंपनी है, और कंपनी का टाइप क्या है, एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर में जॉब रोल है सेल्स का, और एम्प्लॉयमेंट टाइप है फुल टाइम यहाँ पर करना होगा। मंथली सैलरी रेंज अनस्पेसिफाइड, ये यहाँ पर इन लोगों ने सैलरी नहीं बताया है, और ये सैलरी जो है जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसी टाइम पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर AI फ्यूटन ग्रुप ये कंपनी का नाम है, ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो आप। और ये कंपनी 1930 में इस्टेब्लिश करी गई थी, जो कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो आप। और ये 20,000 लोगों को जो है जॉब दे चुके हैं, 20,000 लोग यहाँ पर समझ लो काम करते हैं। और इसकी जो कंपनी है ये कौन कौन से देश में, UAE में भी है, बहरेन, कुवैत, कतर, ओमान, इजिप्ट, सीरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, यूरोप, बहुत सारे देशों में जो ये कंट्री है। तो आप, ये ट्रस्टेड कंपनी है, आप इस कंपनी के थ्रू जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और ये 100% की यहाँ जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपके हिसाब से अगर फिट होती है तो अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए बताया था सेल्स मैनेजर, एजुकेशन काफी है भी है, तो आप देख लेना कि आपके लिए ये सारी जो जॉब है इसमें कौन सी जॉब पर्टिकुलर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सी फिट हो रही है, उसी जॉब को आप अप्लाई करना। दूसरी जॉब को आप अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आप उस जॉब के लिए फिट नहीं होते और वहां पर CV भेज देते हो तो वैसे ही वो CV रिजेक्ट हो जानी, क्योंकि उन्हें जिसकी जरूरत है ना वो उसको ही हायर करेंगे। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है, अगर वो नॉलेज है, तो ही जाकर आप उस जॉब को अप्लाई करना, अदरवाइज आप अप्लाई मत करना। तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की जहां तक बात रही तो यहां पर तो आपका जब इंटरव्यू होगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन बेसिक सैलरी मैं आपको बता दूं ओमान का, तो वहां पर जो भाई मिनिमम जो है अगर कोई जाता है तो 25,000-30,000 का स्टार्टिंग होता है, और मैक्स टू मैक्स वो 1,00,000 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, 1.5-2 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग उसका 25-30 से हो जाता है, इजीली भाई हो जाता है अगर आपकी जॉब लग जाती है। तो इंटरव्यू के दौरान ही आप कंफर्म कर लेना कि आपकी कितनी सैलरी पे लग रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।